अगर आप साइटिका, स्लिप डिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, हिप जॉइंट पेन, सर्वाइकल पेन, लोम्बर पेन, नर्व पेन, मसल्स पेन, इन सभी समस्या से परेशान हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला। बताने वाला हूँ आपको कैसे हम इन सारी समस्या को बहुत ही कम समय में 100% ठीक करते हैं, उसका प्रूफ के साथ में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, साइटिका या फिर स्लिप डिस ये एक ऐसी समस्या है जो इंसान को लाचार बना देती है। चलना फिरना, उठना बैठना, इन सभी में तकलीफें आने लगता है। साइटिका असल में ये एक लक्षण है, मेन प्रॉब्लम तो स्पाइन डिस है। L4, L5, S1 डिस बल्ज या फिर डिस हर्निएशन, इन सभी कारणों से साइटिका नसों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लूम्बर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन वर्टिब्रा कमजोर होने के कारण साइटिका नसों में समस्या आ सकते हैं। इसके अलावा पीरीफॉर्मिस सिंड्रोम के कारण भी साइटिका नसों में दर्द हो सकता है। गैस्ट्रिक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, शार्प शूटिंग पेन, नमनेस, सुई चुभने के जैसा दर्द होना, पैरों की उंगलियों में दर्द होना, टांगों के पिछले हिस्से में दर्द होना, बटक में दर्द होना, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सही से ना होना, झंझनाहट महसूस होना, ये सभी साइटिका स्लिप डिस का कॉमन लक्षण होता है। हाथ पैरों की जोड़ों में दर्द होना, खास करके घुटनों की जॉइंट में दर्द होना, हिप जॉइंट पेन होना, नसों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, इन सभी दर्दों का कारण शरीर में वात बढ़ जाने की वजह। मेरा 90% स्लिप डिस क्योर हो चुका है, धन्यवाद। हेलो, नमस्ते जी, मेरा नाम शंभू खड़का, मैं नेपाल से। मैंने ये दवा लिया था जो मेरा भी साइटी का प्रॉब्लम था, L4 L5 का। मैं ये दवा खाने के बाद और थेरापी किया एक हफ्ता, उसके बाद ये दवा खाया। आज दवा खाने के बाद मेरा ये क्या बोलते हैं ना, जो L4 L5 का प्रॉब्लम है, नशा दबे हुए नशे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यह बहुत अच्छा दवा है, आप लोग भी ले सकते हैं। मैंने मेरे दोस्त 3-4 दोस्तों को भी ऑर्डर किया, उन लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और शायद आप लोगों को भी अगर ऐसे बीमारी है तो इस दवा का यूज करिए। और अपना ख्याल रखिए।